हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदना और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आपको तो पता ही है कि ये चैनल मेरी लाइफस्टाइल के ऊपर है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ क्विक एंड सिंपल एंड लेजी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। मेरी मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैंने ऑनलाइन से बाय करती हूँ या फिर जो ग्रूमिंग वाला मेरे मेकअप वाला जो स्टेप्स है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज की वीडियो की टॉपिक थोड़ी डिफरेंट है, आज है एजुकेशन के ऊपर। आजकल के ज़माने में हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और स्पेशली मॉडर्न एजुकेशन मिले, बच्चे अंग्रेजी बोल पाए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आजकल के ज़माने में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई। तो इसीलिए क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हम लोग स्कूल भेज देते हैं बहुत ही कम एज में, जिसे हम लोग प्री स्कूल या मॉन्टेसरी स्कूल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, उन सब स्कूल्स के जो फीस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को मॉन्टेसरी स्कूल में नहीं भेज पाते हैं। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है जो है आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में भी हम छोटे छोटे बच्चों को भेजते हैं जहाँ पर वो लोग कुछ सीख पाते हैं, पढ़ाई लिखाई एक्सेट्रा सब कुछ सीख पाते हैं। लेकिन उन सब के जो इन दोनों के कहीं पर भी भेज नहीं पाते हैं, बीच में है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्री स्कूल की मनी और जो लोग आंगनवाड़ी में भेजना नहीं चाहते। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो घर में ही अपने बच्चों को प्री स्कूल की जैसे शिक्षा देना चाहते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बोलने वाली हूँ कि प्री स्कूल में एक्चुअली होता क्या है, बच्चों को सिखा क्या जाता है, बच्चे क्या सीखते हैं वहाँ पर और क्या क्या करते हैं, और अगर आप चाहो तो वो सारी चीज़ आप घर पर अपने बच्चों को दे सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो के नीचे एक रेड बटन पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर सब्सक्राइब कीजिए, और उसी के बगल में एक बेल आइकन है, उसको क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट बार मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, प्री स्कूल में ऐसा क्या होता है, बच्चों को क्या सिखाया जाता है वहाँ पर? सबसे पहले तो हमारे घर में क्या होता है और हम प्री स्कूल में क्या होता है बच्चों के साथ, वो मैं आपको बोलने वाली हूँ। इससे क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बच्चों को ये सारी सी चीज़ें सिखाते हो तो आपके पैसे भी बचते हैं और बच्चों के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट आउट करके रखे हैं यहाँ पर। पहली चीज़ जो है, बच्चे वहाँ पर जो देखते हैं छोटे छोटे चीज़। एक्चुअली क्या होता है, अब बच्चे जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चों को उसी के साइज़ की चीज़ें देना चाहिए। प्री स्कूल में वही होता है, अगर उसको ग्लास दिया जाता है तो उसी के साइज़ का छोटा सा ग्लास दिया जाता है। घर में हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा वाला ग्लास में पानी लाने के लिए बच्चे को बोल देते हैं, वो जब लाता है तब वो गिर जाता है और हम उसको डांटते रहते हैं, इसीलिए वो सीखना नहीं चाहता है, वह काम वो करना नहीं चाहता है। लेकिन प्री स्कूल में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर अगर चेयर टेबल है वो भी बहुत छोटे वाले हैं जहाँ पर बच्चे अपने अच्छी तरह से बैठ पाए। पेंसिल बॉक्स ले लीजिए या जितने भी इक्विपमेंट्स है, खेलने कूदने की चीज़ें जितने भी हैं, गेम्स वगैरह जो है, जितने भी चीज़ें वो वहाँ पर देखता है या यूज़ करता है, वो सब कुछ उसी की साइज के बना हुआ होता है, जिससे क्या होता है, उसको वो पकड़ने में इजी होता है और उससे काम करने में इजी होता है। लेकिन घर पे हम लोग वो नहीं करते हैं, इसीलिए आप नेक्स्ट बार अपने बच्चों को जब कुछ सिखा रहे हो, जैसे कि किसी को पानी देना या कैसे पानी पिया जाता है, कैसे खाया जाता है थाले प्लेट में, अगर आप स्पून से खिलाना सिखाते हो तो उसी के साइज का आप दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बड़ा वाला एक प्लेट दे दिए और बच्चे को बोलिए कि आप खाओ उसमें से। कांच का प्लेट यूज तब मत कीजिए, आप प्लास्टिक का कोई प्लेट यूज कीजिए, प्लास्टिक का कोई स्पून यूज कीजिए, ताकि बच्चे अच्छी तरह से उसको यूज कर पाए। जो प्री स्कूल में होता है उसी की साइज के चीजों से आप उसे अपना काम सिखाइए। नेक्स्ट जो होता है कि वहाँ के जो टीचर्स होते हैं बहुत ही काम एंड पेशेंस होते हैं। क्या होता है, उन लोगों में वो बहुत ही धैर्य से, जो बोलते हैं, मेरी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, बहुत ही धैर्य से वो काम करते हैं, बहुत ही समझ के सूझबूझ के साथ बहुत ही पेशेंटली काम करते हैं। घर में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को कुछ करने बोले या पढ़ने बोले, वो नहीं किया तो बहुत डांट पड़ती है उसे, तो इसे उसके मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है। तो नेक्स्ट बार जब उसके साथ आप कुछ काम कर रहे हो, उसे पढ़ा रहे हो या कुछ सिखा रहे हैं, तो प्लीज़ आप बहुत ही शांत रहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी उसे कुछ सिखाए वो तुरंत सीख गया, वो छोटा सा बच्चा है, उसे टाइम लगेगा, इसीलिए आप थोड़ा टाइम लेके उसके साथ काम कीजिए और उसके साथ बहुत ज़्यादा पेशेंटली बिहेव किए। ऐसा नहीं कि हाँ तुरंत ही कुछ हो गया। तो ये प्री स्कूल में करते हैं, जो टीचर्स वगैरह होते हैं बहुत ही शांत होते हैं, बच्चे के साथ बहुत टाइम लेके काम करते हैं, जिससे बच्चे खुशी खुशी वहाँ पर सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है,
फ्रेंडली एंड स्माइल। आप जब भी अपने बच्चों को कुछ सिखा रहे हो या पढ़ा रहे हो, मेक श्योर कि आपके चेहरे पे एक स्माइल हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत गुस्सा होकर उसे कुछ सिखा रहे हो और उसकी तरह उसके दोस्त की तरह बात कीजिए। जैसे छोटे बच्चों को तो हम जैसे कुछ बहुत ज़्यादा अले अले करके बात करते हैं, बहुत क्यूटली बात करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि उसको वो समझ में आए। बिल्कुल वैसे ही अगर आप अपने बच्चों के साथ काम कर रहे हो या उसे पढ़ा रहे हो, तो अपनी चेहरे पे तो एक स्माइल ज़रूर रखिए। और हाँ, उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर कीजिए, उसके साथ दोस्त बन जाइए उसका। अगर उसके कुछ नहीं आते तो चीज़ें सिखाइए, उसी के साथ उसी की तरह काम कीजिए, उसी के छोटे छोटे चीज़ों से जो वो काम कर रहा है उसी में से आप काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बड़ा वाला चीज़ों में उसको सिखा दिया और छोटे चीज़ में आप उसको करने के लिए बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जब आप काम कर रहे हो तो सारे टेंशन वगैरह भूल के एकदम शांत और रिलैक्स होकर बच्चों के साथ बच्चे बन के उसके साथ काम कीजिए, जो प्री स्कूल में सिखाया जाता है। और प्री स्कूल के टीचर्स बहुत ही फ्रेंडली और स्माइल करके हमेशा काम करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अट्रैक्टिव थिंग्स। अट्रैक्टिव थिंग्स क्या होता है फ्रेंड्स? वो लोग प्री स्कूल में जितने भी चीज़ बच्चे देखते हैं, अगर आप कभी भी अपने बच्चों को एडमिशन के लिए गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उनके जो रूम्स होते हैं इतने अट्रैक्टिव होते हैं, इतने कलरफुल होते हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम ही बच्चे बन जाए और वहाँ पर बैठ के पढ़ने लग जाए। क्यों होता है? क्योंकि बच्चों के जो आँख में सबसे ज़्यादा जो कलरफुल थिंग्स है वो अट्रैक्ट करता है, वो आकर्षित करते हैं। सिर्फ बच्चों को नहीं, हम सबको ही करते हैं, ज़्यादा कलरफुल चीज़ें अट्रैक्टिव करते हैं। तो इसीलिए अगर आपके घर में बच्चे के लिए कुछ अलग सा रूम है तो आप उस रूम को बहुत अच्छी तरह से कलरफुल तरीके से डेकोरेट कीजिए। अभी बहुत तरह के स्टिकर्स, बहुत तरह के खेलने की चीज़ मिलती है, वो सारी चीज़ रखिए। अगर ऐसा रूम अगर आपका अलग से कुछ रूम नहीं है तो उससे आप जब भी काम कर रहे हो या उसके भी जितने भी चीज़ें हैं वो थोड़ा कलरफुल लाइए, ताकि बच्चों को कलर भी वहाँ से सीखने को मिले और उसकी आइज़ को भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करें। नेक्स्ट चीज़ के हाँ, बस यही सारे पॉइंट्स था। और क्या होता है एक्चुअली प्री स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि उसके शरीर की जो सेंसेस है, जो हमारे पांच सेंसेस होते हैं, पांच जो इंद्रिय, पंच इंद्रिय जो हम जिसको बोलते हैं, आँख, नाक, कान और आपका जीभ और आपका ये स्किन, 1 2 3 4 5। प्री स्कूल में जितने भी मटेरियल बोलते हैं, कुछ खिलौने ऐसे होते हैं, बने हुए होते हैं, जिससे काम करते वक्त, जिससे खेलने के टाइम पे बच्चे के जो ये सेंसेस है वो बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं, जिससे वो आँख से देखने की शक्ति, नाक से सूखने की शक्ति, जीभ से उसे टेस्ट करने की शक्ति, कान से सुनने की शक्ति और टच करके उसकी जो टच का फील करने का जो सेंसेस है वो बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। तो वहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट से काम किया जाता है जिससे इस सारे सेंसेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। तो ये सारे चीज़ें प्री स्कूल में होता है। तो अगर आपके पास टाइम है कि आप चाहते हो कि इन सब स्कूल्स में, या आप स्कूल में नहीं दे पा रहे हो लेकिन घर पे आप उसे सिखाना चाहते हो, और अगर आप टाइम और थोड़ा सा कुछ मटेरियल्स अगर अपने घर पे बना के अपने बच्चों को ये सिखा सकते हो, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप लोगों को एक एक करके कैसे आप घर में ही वो प्री स्कूल वाले प्रोडक्ट्स बना सकते हो वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। अगर हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं ये वीडियो बनाऊं और आप चाहते हो कि जानना कि हाँ कैसे ये प्रोडक्ट्स बनाया जाता है घर पे, तो आप ज़रूर ये इसमें कमेंट करके मुझे बताइए, लाइक कीजिए और मुझे रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिला तो मैं वीडियोज़ ज़रूर बनाऊंगी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के वीडियोज़ तो मैं नहीं बना पाऊंगी क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो खरीदना पड़ता है, वो बनाया नहीं जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अगर आप बना लेते हो तो घर पे ही आप अपने बच्चों को एटलीस्ट क्लास वन में जब, या इन्फेंट में या नर्सरी में जब वो एडमिशन लेने जाता है, उसके पहले नंबर्स कैसे पहचाना जाता है, टच से कैसे पहचाना जाता है, कौन से क्या आवाज़ है, कौन से कलर है, ये सब कुछ हम लोग उसको सिखा सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स अभी तो बोलोगे कि हम तो कोई बुक, कलर बुक ला के उसको दिखा देते हैं या फिर उसको नंबर बुक्स ला के भी तो हम सिखा सकते हैं, लेकिन ये गलत होता है। अगर आप प्री स्कूल में देखोगे तो बच्चों को पहले ही ए दिखाया नहीं जाता क्योंकि उसको ए नहीं पता है, वन क्या होता है उसको नहीं पता है। उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाया जाता है। पहले उसको हाथ से भी सिखाया जाता है, उसको टच करवाते हैं कि वन होता कैसा है, एक लाइन होता है वन, टू का कैसे वो शेप आता है, बिल्कुल ऐसे करके उसको सिखाया जाता है। डायरेक्टली उसको ए बी सी डी नहीं सिखाया जाता है,
ऐसे स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है ताकि बच्चों को बहुत अच्छी से सीख पाए और वो कभी भी ना भूले। तो अगर आप चाहते हो कि कैसे ये सब होता है, ये सब जानना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं मॉन्टेसरी मटेरियल्स को लेके। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय।